कितने क्रिस्पी बने हैं बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मीना की रसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हमारी रसोई में बना रहे हैं बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी, चलो तो शुरू करते हैं। तो आज मैं मेरी रसोई में बनाऊंगी मूंग दाल पकौड़ी। मैंने मूंग दाल पकौड़ी बनाने के लिए 2 कटोरी मूंग की दाल ले ली है, वजन में ये 500 ग्राम। कम से कम 4 घंटे हो गए हैं मैंने इसको भिगो दिया है, अब 3-4 बार इसको अच्छे से धो लिया है। अब धोने के बाद हमें क्या करना है, एक ऐसे छन्नी लेनी है और उसमें से ऐसे इस दाल को अच्छे से पानी निकाल देना है, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकाल देना है। अगर दाल में पानी रहा तो पकौड़ी बहुत ही ऐसी बनेंगी सॉफ्ट सी, कुरकुरी नहीं बनेंगी। और पानी से हमारा जो बैटर है वो बहुत पतला हो जाएगा तो उसकी अच्छी पकौड़ी नहीं बनेंगी, इसलिए इसको ऐसे छानना है, ध्यान रहे पूरा पानी निकालना है पहले इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 कटोरी साबुत दाल रख लेंगे। मैंने 1/2 कटोरी साबुत दाल रख ली है, इसका क्या करेंगे मैं बाद में बताऊंगी। तो मैंने इसको छान लिया अच्छे से, इसका पानी निकाल दिया। मैं इसको डालूंगी मिक्सी के जार में। मैं दाल को 2 बार में पीसूंगी। अब बची हुई दाल मैंने इस छन्नी में डाल दिया है, अभी एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो मैं दाल को पीस रही हूँ। इसी में मैं 15-20 कली लहसुन डाल दूँगी, ये भी साथ में पिस जाएगा। मैंने दाल को पीस लिया है, ध्यान रहे बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है, ऐसा थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है इसको। इस तरीके से मैं इसको निकाल लूँगी। मैंने दाल के पेस्ट को इधर निकाल लिया है और बची हुई दाल को भी पीस लूँगी मैं इसी तरह। तो मैंने दूसरा बैच भी पीस लिया है, ये भी थोड़ा दरदरा सा ही पीसा है, इसको निकाल लूँगी। हम पेस्ट को थोड़ा फेंट लेंगे ऐसे, तो मैं पकौड़ी को बहुत ही चटपटी सी बनाने के लिए, स्वादिष्ट और चटपटी बनाने के लिए डालूँगी ये। मैंने 4 मिर्ची को बारीक काट के रखा है, इसको डाल दूँगी। 1 प्याज ले लिया बड़ा सा, उसको काट के रखा है वो डाल दूँगी। 1/2 कटोरी हरा धनिया रखा है काट के, इसको डाल दूँगी। मैं गैस चालू करूँगी। मैंने 1 तवा ले लिया है, तवे पर डालूँगी मैं 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ साबुत, 15-16 ये काली मिर्ची, ये भी डाल दूँगी। अब हम इनको सेक लेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा सेकेंगे। इससे पकौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, इनसे पकौड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा बहुत ही। तो इनको हल्का सा सेकेंगे हम। हमारे मसाले सिकने लग गए हैं, हल्की हल्की खुशबू आ रही है, तो आप सुन सकते हैं मसाले अब चटकने लग गए हैं। तो मैं गैस को कर दूंगी बंद, इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है हमें। इनके साथ में डाल दूंगी 1/4 चम्मच हींग, ये भी हल्की सी भुन जाएगी साथ में। गैस बंद कर रखी है मैंने, तब हल्का सा गर्म है तो ये भी साथ में भुन जाएगी। तो मसाले हमें बारीक नहीं पीसने, मैंने एक खल्लर ले लिया, इसमें मैं इनको कूटूंगी, डाल दूंगी इसमें मसाले। इस तरीके से धीरे धीरे कूट लेंगे हम इसको मोटा मोटा सा। तो मसाले हमने इस तरीके से दरदरे कूट कर तैयार कर लिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं। अब ये डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालूंगी मैं इसमें, 1 चम्मच भर के मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। मैं इनको चटपटा सा बनाऊंगी, मैंने इसमें 4 हरी मिर्ची भी काट के डाली है। 1/4 चम्मच डालूंगी अमचूर पाउडर, अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालूंगी नमक। अब मैंने जो 1/2 कटोरी ये दाल बचा के रखे ना, इसको डालूंगी। इससे क्या होगा, पकौड़ी बहुत ही कुरकुरी सी बनेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं थोड़ा साबुत दाल रखी है मैंने। मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस टाइम अगर आप पालक डालना चाहें तो पालक भी डाल सकते हैं, पालक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ी का, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया पेस्ट को, अच्छे से मिक्स हो गया, मैं इसके बनाऊँगी पकौड़ी। तो मैंने ये हरी चटनी भी बना ली है। मैं गैस चालू करूँगी। मैंने ले लिया है ये सरसों का तेल, मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में पकौड़ी बहुत अच्छे बनते हैं।
बहुत ही टेस्टी। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाना चाहें तो दूसरा तेल भी ले सकते हैं, कोई सा भी कुकिंग तेल। गरम होने देते हैं अच्छे से, गैस का फ्लेम फुल कर दिया है, इसको पहले अच्छे से गरम होने देते हैं। तेल अच्छे से गरम हो गया है, मैंने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है। मैंने कढ़ाई में या तेल में एक चम्मच नमक डाल दिया है ताकि पकौड़ी तेल कम पिए। अब मैं बनाऊंगी छोटी छोटी पकौड़ी, इस तरीके से गोल गोल पकौड़ी बनाएंगे हम। अब डालेंगे तेल में पकौड़ी को, पहले एक दो सेक के देख लेते हैं नमक मिर्ची कैसा है, अगर कम होगा तो और डाल देंगे। इनका टेस्ट चेक करेंगे पहले कि कैसी बनी है, नमक मिर्ची कम तो नहीं है, फिर टेस्ट करके फिर और डाल देंगे अगर कम हुई तो। सेक गई है पकौड़ी, निकाल लेते हैं और टेस्ट करते हैं। नमक मिर्ची सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट बनी है। आज मैंने इनमें बिल्कुल ही सोडा का यूज नहीं किया है, बेकिंग पाउडर का, सोडा किसी का भी। तो डालूंगी और पकौड़ी, गैस का फ्लेम अभी स्लो है। एक बार में इतने ही डालने, ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो अच्छे पक जाएंगे, अच्छे से सिकेंगे नहीं। बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनकर तैयार होंगी इस तरीके से बनाएंगे तो। गैस का फ्लेम मैंने अब मीडियम कर दिया है ताकि हमारी पकौड़ी ज़्यादा तेल भी ना पिए और बिल्कुल ही कुरकुरी बने। हमारी पकौड़ी अच्छे से सिक चुकी हैं तो मैं इनको अब निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं और डाल दूंगी छोटी छोटी पकौड़ी। पलट देंगे पकौड़ियों को, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, गोल गोल सी पकौड़ी हमारी। दूसरा बैच भी अच्छे से सेक गया, मैं इनको निकाल लूंगी। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में कुरकुरी सी। ऐसे ही एक एक करके हम सारे पकौड़ी बना लेंगे। हमारा तीसरा बैच भी सीखने वाला है, तो आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इसको सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। पकौड़ी सीख कर तैयार है तो मैं इनको निकाल लूँगी। लीजिए, तो बनकर तैयार है क्रिस्पी सी करारी सी मूंग दाल पकौड़ी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इनको लाल चटनी, हरी चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व करो। इनको हरी चटनी, मीठी चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म खाइए और बरसात का मज़ा उठाइए। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।